महात्मा गांधी की जयंती आज पूरे देश में धूमधाम के साथ में मनाई जा रही है। आज श्री राजभर जो सदस्य पशुधन विकास बोर्ड के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय समाज पार्टी के, वो भी महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुँचे। उन्होंने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के साथ में तमाम अपने जो मन के भाव हैं वो भी उन्होंने व्यक्त किए। देखिए, आज का दिन जो है 2 अक्टूबर का बड़ा ही भारतीय राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत की 2 राजनीतिक हस्तियों का जन्म हुआ, एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे तरफ लाल बहादुर शास्त्री। दोनों ही महापुरुष भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, भारत को एक राजनीतिक पटल जो विश्व के स्तर पर खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि हमें गर्व है कि लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें शेरे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, और अध्यात्म और धर्म की नगरी काशी क्षेत्र से उनका संबंध रहा और उस धरती से जो है उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत किया और राजनीतिक जीवन शुरू किया और भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी उन्होंने शोभित करने का काम किया। क्योंकि जितने भी, क्योंकि हमारी पूर्वांचल की धरती राजनीति का एक अखाड़ा है और लगभग भारत को आधे दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री दिया, जिन प्रधानमंत्रियों में या भारत के जिस भी प्रदेश से जितने प्रधानमंत्री बने, ईमानदारी और व्यक्तित्व के स्तर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जोड़ कोई है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने उस पद पर रह करके जिस ईमानदारी का परिचय दिया देश के लिए और अपने देश के विकास के लिए, देश के सम्मान के लिए, उन्होंने अपने परिवारवाद को जो है स्थापित करने का काम नहीं किया। उनके जीवन किए गए कहानियों ऐसी है कि समस्त भारत के कोटि कोटि नागरिक प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा लेने के योग्य हैं, जो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, अपने राजनीतिक जीवन को जो है सफल बना सकते हैं। उनका एक नारा था बहुत अच्छा, आपको शायद मालूम। हाँ, आपने याद दिला दिया, लाल बहादुर शास्त्री धरती के लाल। जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आखिर नेता शब्द मिला, नहीं नेता है तो सुभाष चंद्र बोस, उसी तरह धरती के लाल यदि हैं तो लाल बहादुर शास्त्री। उस दौर में जो प्रधानमंत्री थे, उस समय विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर रहा था अमेरिका, स्थापित भी होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है कि एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था और वह भारत को तोड़ने के नज़रिए से, भारत को कमज़ोर करने के नज़रिए से पड़ोसी देश पाकिस्तान को उकसाता था और विचित्र विचित्र तरीके से असलहे उपलब्ध कराता था, जिनके माध्यम से वह भारत पर आक्रमण करता था। उस परिस्थिति में अमेरिका के सहयोग से जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, चूँकि उस समय भारत में खाद्यान्न व्यवस्था का अभाव था, चूँकि अमेरिका से गेहूँ आता था, ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका ने गेहूँ देना बंद किया, पाकिस्तान का सहयोग किया, पाकिस्तान को पेटेंट टैंक तक उपलब्ध कराया जो अजय समझा जाता था, और उसी दौर में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस देश के जवानों को और किसानों को, उन्होंने कहा कि देश के जवान और देश के किसान दो ही मजबूत स्तंभ हैं, और जय जवान और जय किसान का नारा दिया, और उन्होंने किसानों से कहा मेहनत करो, और खुद लाल बहादुर शास्त्री खुद हल चलाते थे। आज भी दिल्ली में जो उनका संग्रहालय है, संग्रहालय में एक बाउंड्री है जिसमें एक खेत है, उनके हाथ से पैदा किया गेहूं आज भी वहां रखा हुआ है, देखने पर हृदय जो है गदगद होता है। उन्होंने खुद हल चलाया और किसानों से कहा आप मेहनत कीजिए और धरती का सीना चीरिए और अन्न पैदा कीजिए, ताकि हमें अमेरिका के अधीन न रहना पड़े, अमेरिका के ये न रहना पड़े कि वो राशन दे तो हम जिए। उन्होंने देश के लोगों से कहा कि सप्ताह में एक दिन उपवास करो ताकि खाद्यान्न बचे और हम उसको लंबे दूरी तक जो है खाद्यान्न को झेल सकें। और देश के जवानों को उन्होंने कहा, मैं अपने देश के जवानों से यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने संदेश भेजा है कि 8 बजे जम्मू में बैठ करके नाश्ता करूंगा और 12 बजे दिल्ली में बैठ के दोपहर का भोजन करूंगा। बताइए देश के नौजवानों, क्या पाकिस्तान का सपना पूरा होगा? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो
8 बजे का जम्मू में बैठ करके नाश्ता और 12 बजे भोजन दिल्ली का सपना देख रहा है। मैं चाहता हूं कि लाहौर में बैठ करके मैं भोजन करूं। आप लोग इस व्यवस्था को, इस उद्देश्य को पूरा कीजिए और जय जवान जय किसान का नारा दिया। और भारत के जवान इतने उत्साहित हुए कि उत्साह में उन्होंने पाकिस्तान को पराजित ही नहीं किया, पाकिस्तान की लाहौर में जा करके हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया। ये रहा लाल बहादुर शास्त्री के एक जो है ओजस्वी भाषण के दिन। कद में छोटे थे लेकिन व्यक्तित्व में बहुत बड़े थे जो है कि जिसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान जा करके संयुक्त राष्ट्र संघ में रोने लगा, कहा कि हिंदुस्तान तो मेरे आंगन में आकर के बैठ गया, मैं क्या करूँ। लेकिन जब उनके सामने दबाव पड़ा, उनके सामने जब दबाव पड़ा कि नहीं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कि नहीं पाकिस्तान को जमीन वापस दी जाए, उन्होंने कहा कि जमीन को हमने नहीं जीता है, जमीन को हमारे देश के नौजवानों ने जीता है, इसलिए खून पसीना उनका बाहर, मालिक वो है, फैसला वो करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी परिस्थितियों में किसी तरह समझौता किए, लेकिन अपने जवानों के सामने जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। इस चिंता में ही रूस में उनकी प्राण निकल गए और भारत में आया तो उनकी लाश आया। ये रहा स्वाभिमानी नेता का कद, स्वाभिमानी नेता का व्यक्तित्व, जो कहा उसको किया, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। और आज बड़ा गर्व है और हम जैसे नेताओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आदर्श स्वच्छ एक राजनीति की स्थापना करनी चाहिए और उसके आदर्शों को निभाने में, उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने में, उसको पालन करने में अपना जीवन परिपूर्ण करना चाहिए। धन्य है धरती के लाल बहादुर शास्त्री।